कौन बच्चन सर बताइए आज जो गाना रिकॉर्डिंग हो रहा है अतरंगी ये इनकी बहुत बुरी आदत है ये कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं मैं दरअसल कलकत्ते में शूटिंग कर रहा हूँ रात को इनका फोन आया ये गाना है इसको गाना है और इसको फिर शूटिंग भी करना है और बहुत जल्दी भी है यानी इनको कोई कदर नहीं किसी और की शूटिंग चल रही है बिल्कुल कुछ नहीं बस ये करना है तो हम हाजिर हो गए साहब क्या करें इनको ना नहीं दोस्ती थी जो आपको यहाँ तक लेके आए किसके जी जी बिल्कुल ये हमारी अतरंगी आ रही है ये दरअसल फरहान और हमारे बीच एक गाना ये डालना चाह रहे थे जो कि हमारी जो यारी है पूरी फिल्म में आपको दिखाई देगी उसके फरहान आप सॉरी हाँ जी सॉरी फिर से पूछिए कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है और मतलब हमने इनके गाने सुने हैं बहुत जो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाए हैं एक एल्बम भी इन्होंने बनाया था तो इनके साथ अभी एक ऐसी फिल्म में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है एक ऐसी फिल्म में और एक ऐसा गाना जो रोचक ने बहुत ही खूबसूरत गीत बनाया है तो उसको मिलकर परफॉर्म करने का एक मतलब एक अलग ही मज़ा है सो इट्स बीन वंडरफुल ये गाना जो है ना फिल्म यही है ये फिल्म जैसे हम सिर्फ ये रिलीज करेंगे हाँ जो, जो, जो फिल्म है वो एक दोस्ती यारी के बारे में दोस्ती के बारे में और अनयूजुअल दोस्ती के बारे में जहाँ दानिश अली और ओमकार नाथर की दोस्ती अनयूजुअल दोस्ती और ये गाना उसी दोस्ती का अब जैसे मेरी मैं जब फिल्म इंस्टीट्यूट से निकला था इनको याद हो या ना हो मैं ये बहुत बड़े स्टार थे मैं इनके पास गया इन्होंने मेरी डॉक्यूमेंट वो देखी डिप्लोमा फिल्म और कहा व्हेन डू वी वर्क टुगेदर और उस बात को आई थिंक 30-40 ईयर्स हो गए हम लोग मिले नहीं मिले इसको हम समझते हैं कि यारी अब कलकत्ता से आए हैं आभार भी इन्होंने जता दिया कि मैं आया हूँ लेकिन ये ऐसी यारी है जो इनकी फिल्म में यारी है वो हमारी रियल में है ऐसा मैं समझता हूँ मिस्टर बच्चन जैसा 1979 के बाद पहला गाना जो आपने गाया था मिस्टर नटवर लाल के लिए और तब से जो जब आपको पता चला था कि मैं अब सॉन्ग रिकॉर्ड करने जा रहा हूं और आज जो जैसा कि आपने बताया कि इन्होंने आपको फ़ोन किया और आगे सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए तो कितना सहज लेते हैं आप सर हम गायक हैं नहीं ना ही गाना आता है जब आप गाना सुनेंगे आपको पता चल जाएगा लेकिन क्या है कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं फिल्म के अंदर जो वो लोग कहते हैं कि स्वयं अगर कलाकार गा दे तो अच्छा लगेगा वो सीन के हिसाब से बैठ जाता है हम लोग जो है वो गुसल खाने में गाने वाले लोग तो वहाँ पर सीटी अक्सर सुनाई देती है अभी जैसे अभी अच्छा गाई लेते हैं नहीं नहीं बहुत बिल्कुल सही कहा आपने तो सर आप तो हैं गायक सर स्ट्रेट ऑफ द फरहान ये फरहान का आदमी है बच्चन सर का कौन सा गाना है वो गाना ठहर जाओ यार मैं ये कह रहा था कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे आप एक दूसरे को मतलब साथ गा रहे थे तो कभी आपको ऐसा लगा इनके सुर ठीक नहीं जा रहे हैं या मैं अच्छा गा रहा हूं आप ऐसे मेरे पूरे सुर गलत हैं वो इसका जवाब आपको ये म्यूजिक डायरेक्टर है गाने के रोचक जी ये आपको प्लीज जब मैंने गाना बनाया और मेरे को जब पता लगा मिस्टर बच्चन और फरहान गाने वाले हैं सो आई वाज रियली एक्साइटेड और फरहान और मिस्टर बच्चन की आवाज़ें जो हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं एंड मिस्टर बच्चन खुद अभी हमको जो कुछ सुना रहे थे वो सेमी क्लासिकल था तो आई वाज रियली सरप्राइज मैं अभी तक सरप्राइज हूँ कि इतना अच्छी आवाज़ इतने बड़े सुपरस्टार होकर यू नो ये इनमें ये हिडन टैलेंट है जो फरहान की जो वॉइस है वो एक बहुत यू नो एक रॉ रस्टिक एंड बहुत यूथफुल आवाज है बच्चन सर की जो आवाज है एक बहुत इमोशनल आवाज है सो आई थिंक ये जो दो कॉम्बिनेशन है ये इस गाने को परफेक्ट बनाते हैं सर फिल्म इतनी आगे बढ़ चुकी है अभी आपको एक ख्याल आया कि ऐसा कुछ मतलब गाना रिकॉर्ड करते हैं सुपरस्टार्स की आवाज में ताकि और प्रमोशन मिले मीडिया लोग अट्रैक्ट हों कि इनकी आवाज में भी गाना है तो ये प्रमोशन ये आइडिया विनोद सर का था और दूसरी बात हमने नहीं सोचा था कि ये हम किसकी आवाज में गाएंगे या कैसे होगा दे बोथ ऑल्सो लव द सॉन्ग एंड देन विनोद सर का आइडिया था कि यू नो लेट्स ट्राई बच्चन साहब एंड फरहान सर इसका सही जवाब ये है पिछले 6 महीने से मैं गाना ढूंढ रहा हूँ अगर आप घूमें बम्बई शहर में तो आपको पता चलेगा कि मैं 100-200 गाने सुन चुका हूँ
और अब ये फाइनली मैंने गिव अप ही कर दिया था कि यार नहीं मिल रहा है टिल आई हर्ड दिस सॉन्ग अपने गाने खुद नहीं गाए शादी के साइड इफेक्ट्स में मैंने सिर्फ एक गाना जो एक बैकग्राउंड सॉन्ग था गाया था लक बाय चांस में मैंने गाने नहीं गाए तो ऐसा नहीं है मुझे जब लगता है कि जो जॉनर है गाने का और अगर इमोशनली उस गाने में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कैरेक्टर के तौर पर देन मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुझे बताने मिस्टर पठान जैसा आपने कहा कि आपको कोलकाता से शूट कर रहे थे और आपको बुलाया विधु सर ने तो फिल्म के दौरान भी कोई ऐसे अतरंगी काम कराए प्रोड्यूसर ने आप दोनों से पूरी फिल्म दौरान के साथ मैं पहली फिल्म थोड़ी ना इससे पहले भी काम कर चुका हूं जी बयान नहीं किया जा सकता यहां पर मीडिया के सामने लेकिन मैं बताऊंगा सर इज अ वेरी फाइन प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट के लिए तो खास तौर से इतना ध्यान रखते हैं वो आर्टिस्ट का ऐसा एक माहौल बना देते हैं जिसमें कि आपको आर्टिस्ट को कभी तकलीफ नहीं होगी और जो भी आर्टिस्ट की ज़रूरतें होती हैं या ऐसा उनका अनुमान है कि ज़रूरतें होती उस तरह का एक वातावरण पैदा कर देते हैं और हमने से कभी गलती हो जाए या हम उसको दोबारा करना चाहें कभी भी इनकी तरफ से कोई ऐसी उल्टा ये कहते हैं कि इसको ठीक कर देंगे इसको ठीक कर देंगे अभी कह रहे थे कि ये गाने में ठीक हो मैंने कहा नहीं होगा भैया गायक नहीं हो अब नहीं हो पाएगा तो लेकिन सही बताओ और बहुत पहले कुछ और कलाकारों ने भी जो इनके साथ काम किया उन्होंने भी मुझसे कहा था कि आप इनके साथ काम करने जा रहे हैं और कुछ भी हो ना हो लेकिन आपकी देखभाल बहुत अच्छी सो ये एक आर्टिस्ट के लिए बड़ी एक सहूलियत होती है ट्विटर पे आप बाबूजी गाने के रूप में रिकॉर्ड करने का प्लान है जी बिल्कुल बहुत सारी कर चुका हूँ लेकिन सुनाने लायक नहीं है आपके बर्थडे पे आपसे पूछा गया था घड़ी के बारे में कि आपने कहा था कि मैं ऐसी घड़ी नहीं पहनूंगा हर एक पीते वाली सर अभी भी आप पहने हुए माफी चाहता हूँ सर गलती हो गई कल अगर आप मिलेंगे तो शायद ना मिस्टर बच्चन बच्चन जी आप गाना गाते हैं दर्शक काफी पसंद करते हैं घर में जया जी और क्या रिएक्शन देती है आपके गाने के ऊपर ये देखिए पारिवारिक प्रश्न हो गया है इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम नहीं दे सकते जनरल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑफ इंडिया के 1,000-1,00,000 शेयर थे अभी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के जिसका एड्रेस आपका यार अरे यार ये कहां चला गया यार वजीर छोड़ी माफ कीजिए वजीर के साथ जो संबंध है मिस्टर बच्चन दिलीप कुमार साहब को आज पद्म विभूषण दिया जा रहा है क्या कहेंगे इस बारे में सर मैं तो बहुत पहले बहुत ही छोटी उम्र से उनका फैन रहा हूं और वो उस समय नहीं आ सके थे जब ये इसकी सेरेमनी हुई थी हम सबके लिए तो भाई खुशी का और गर्व का अवसर है आप क्या कहेंगे दिलीप साहब को आज मैं शायद यही कहूंगा कि जो जो लोग कहते हैं दुनिया भर में एक चीज होती है मेथड एक्टिंग तो मेरे ख्याल से जो पहले इंसान थे जिसके और जिसका काम अगर आप देखें और उससे लगे कि वो मेथड एक्टिंग कर रहा है तो शायद वो दिलीप साहब ही हैं क्योंकि बहुत उनके आने के बाद एक हॉलीवुड में एक ऐसा दौर चला जब लोग कहते थे कि मेथड एक्टिंग शुरू हो गई है मगर ये उनके बहुत पहले यहाँ पर पहले से ही कर रहे थे सिर्फ उसे कुछ और बुलाया जाता था शायद तो आई मीन ही इज अ पायनियर एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न और बहुत मतलब इंस्पिरेशन दी है उन्होंने कितने सारे लोगों को कि वो अच्छा काम करने की कोशिश करें फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास जब लिखा जाएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा बिफोर दिलीप कुमार एंड आफ्टर दिलीप कुमार काफी लेट हो गए ना बहुत ज्यादा लेट किए पहले उनको देना चाहिए ऐसा नहीं सोचते आप सर मैं ना मैं सरकार हूं और ना ही दिलीप कुमार हूं कैसे मैं जवाब दे सकता हूं सर अतरंगी यारी की बात हो रही है और हर किसी की लाइफ में एक ऐसा यार होता है जो जिसे हम अतरंगी कहते हैं आप लोगों की लाइफ में ऐसा कौन फ्रेंड है सब हम लोग अतरंगी हैं अगर बेस्ट फ्रेंड्स की बात की जाए आपकी आपके लाइफ देखिए और कोई हो ना मैं इनको समझता हूँ ये एक्चुअली है मेरे अतरंगी यार फरहान भी हो जाएंगे फरहान भी हो जाएंगे पोटेंशियल है हाँ बहुत सारे हैं मगर अब उनके नाम क्या होते टीवी पे क्या नाम है वीडियो भी होगा मतलब ये मेरे हिसाब से मुझे बहुत मैंने आपसे कहा ना मैंने करीब 100 गाने सुने और बनाए इससे पहले कि ये गाना मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे और इन्होंने गाया मानते नहीं हैं ये लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा गाया आप सुनेंगे इसको मुझे सर तेरे बिन को काफी पसंद किया जा रहा है दर्शकों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सारे गाने इसी तरीके से एक एक कर लॉन्च किए जाएंगे प्रमोट किए जाएंगे देखिए तेरे बिन तो मैंने लिख दिए थे लिरिक्स जैसा आपको पता है जब हम गाना कोई भी बनाते हैं तो हम उस लिए बनाते हैं कि हम सब सुन सकें उसको आपने शायद नोटिस नहीं किया
आप वेट कर रहे थे, हम बार बार गाना सुन रहे थे। तो गाना ऐसा बनाते हैं या फिल्म ऐसी बनाते हैं कि हम खुद भी बार बार देख सकें। ऐसी फिल्म नहीं बनाते, ना ही ऐसा म्यूजिक बनाते हैं कि जो हमको लगे कि आप सबको अच्छा लगेगा लेकिन हमको खराब लग रहा है। ये बहुत बेहतरीन गाना हमने बनाया, हमारे लिए हमको बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगेगा जैसे तेरे बिन बहुत चल रहा है जी जी। तो बहुत खुशी होगी। लास्ट क्वेश्चन गाना बनाया है तो हर एक आदमी जो अपना गाना बनाता है मतलब उनको अच्छा लगता है, मतलब उनको ऐसा फील नहीं हो रहा कि हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है, सर ने तो बना दिया? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग गाना बनाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये गाना बिकाऊ है, उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सोचते हैं लोगों को बहुत अच्छा लगता है। यार आपके सवाल पूछने का अंदाज बहुत सही है। जी जी। तो ऐसा ऐसा नहीं, बहुत फिल्में जो बनती हैं वो इसलिए नहीं बनती कि जो बना रहा है उसको अच्छी लग रही है, वो इसलिए बना रहा है कि आप सबको अच्छी लग रही है। तो इसके लिए अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो किसी को नहीं लगी। ये गाना हमको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगेगा तो बहुत खुशी होगी, लेकिन हम सबको तो लग रहा है बहुत अच्छा गाना। अभी तो नहीं है लेकिन उम्मीद करता हूँ। एक बार मैं कर चुका हूँ, हमारे जो मेकअप मैन है दीपक सावंत के साथ मराठी फिल्म आगे देखिए। नट सम्राट बहुत ही अद्भुत एक नाटक और अब फिल्म भी है, और पता नहीं आपने उसका ट्रेलर देखा कि नहीं, मैंने उसको ट्विटर पे डाला था अपने, नाना पाटेकर जी ने उसमें मुख्य भूमिका की है, बहुत ही खूबसूरत। बहुत बार इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं मैडम, और दुख होता है कि वो हमारे बीच नहीं है। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपको रातों रात बुलाया गया कोलकाता से इस गाने की शूटिंग में, रिहर्सल्स के लिए आप लोगों को कितना टाइम मिला इस गाने के? ये प्लेन से उतरे, मैं बता देता हूँ, 8 बजे सीधा रिकॉर्डिंग में गए और सुबह 6 बजे तक थे सर। अब आप बताइए, ये हमने आपका बता दिया, अब कुछ बताने लायक है नहीं।